दो बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ मेरे पास एक रिसर्च पेपर है कि उसको किस तरह से स्टडी करता है। दूसरी चीज़ कि जो भी स्टेम फील्ड्स हैं तो उसमें आपके पास दो आउटकम होते हैं, या तो आप रिसर्च में जाओगे जिसको हम कहते हैं एकेडमिया, या आप इंडस्ट्री जाओगे। ठीक है, दोनों की स्ट्रीम्स अलग अलग हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसर्च में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बिफोर कि मैं रिसर्च पेपर की तरफ आऊँ, रिसर्च में अगर आपने जाना है बायोलॉजिकल साइंसेज में तो कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर से मुझे ये था कि जो रिसर्च करनी है, रिसर्च में जाना है, एक इंटरेस्ट था। लेकिन जो अब मैं फील करता हूँ ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका विजन बहुत नैरो होता है, इस वजह से क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आपके पास पूरी पिक्चर नहीं है, आपको सिर्फ कोर्स बेस्ड नॉलेज होती है जिसकी बेस पर जो भी आपकी रिसर्च क्वेश्चंस होता है तो वो प्रॉपर नहीं होते, या आपका वे बहुत इमेच्योर आइडियाज होता है। लेकिन बाय द टाइम आप अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो या सेकंड ईयर कंप्लीट करते हो, एट द एंड ऑफ योर सेकंड ईयर यू कम अप टू एन आइडिया कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट या आपका जनरल इंटरेस्ट किसी एक साइड की तरफ जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल के अंदर आप लोग बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे आपके पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। तो बाय द एंड ऑफ द सेकंड ईयर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है उसके अंदर आपके पास ब्रॉडर एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो बाय दैट टाइम आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किधर डिवेलप हो रहा है। जो जनरल एरियाज हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा जिनमें लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं तो दे आर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी और एनाटॉमी होलिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन दे आर वेरी वास्ट फील्ड्स। ठीक है, अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है तो साथ में जेनेटिक्स लाजमी है क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स ऑलमोस्ट लिंक्ड हैं। आप जीन्स के बारे में पढ़ोगे तो आप फिर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर पैटर्न्स भी पढ़ रहे हो। और स्टार्ट में मेरा मॉलिक्यूलर की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो यू रियलाइज कि मॉलिक्यूलर इज अ वे टू स्टडी अ सर्टन एरिया। अच्छा, बात पूरी थी रिसर्च में आने की, तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि रिसर्च राइटिंग कैसे करनी है। बहुत डिफरेंट तरह के पेपर्स होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो बेस्ट तरीका है बिगिनर्स को वो है रिव्यू पेपर लिखने का। रिव्यू पेपर में बेसिकली क्या होता है कि आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ लिटरेचर पढ़ते हो और आप सर्टन अमाउंट ऑफ लिटरेचर को एक ऑर्गेनाइज वे में प्रजेंट करते हो, यू आर नॉट डूइंग एनी न्यू वर्क। रिव्यू पेपर इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर मैं कोई किसी फील्ड में काम करना चाह रहा हूँ या मैं किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ तो रिव्यू पेपर बेसिकली एक कंडेंस्ड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक छोटे से टाइम फ्रेम में प्रेजेंट कर देता है। तो और रिव्यू पेपर्स की वेटेज इस वजह से ज़्यादा होती है, मतलब वेटेज इन टर्म्स मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं उसको पढ़ के डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे आगे क्या काम करना है। माय मदर इज टेकिंग हर टाइम। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक आप ले लो, बायोकेमिस्ट्री से रिलेवेंट ले लो। बायोकेमिस्ट्री बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, बट आई विल कम टू दैट क्यों बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। लेट्स सपोज हम लोग इंसुलिन की बात करते हैं, ठीक है, तो डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन का बहुत मेजर रोल है। इंसुलिन रिक्वायरमेंट पाकिस्तानी पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के हैं वो किस तरह वेरी करती है, लेट्स सपोज मैं इस टॉपिक पे रखना चाह रहा हूँ तो या जनरली क्या ट्रेंड है, या लेट्स सपोज और ईजी कर लेते हैं
मैं कहता हूँ कि सबसे कॉमन डिजीज पैटर्न है यहाँ पर सोशली, चूंकि मैं एरिया मेरा ब्लड से रिलेटेड है, तो लेट से अगर मुझे रिसर्च करनी है थैलेसीमिया पर, तो मैं थैलेसीमिया के एस्पेक्ट से लिटरेचर जमा करना शुरू करूँ। मैंने जी लेट सपोज कलेक्ट किए 100 पेपर्स, ठीक है, अगर 100 ज़्यादा है और सिंगल आप करना चाह रहे हो तो आप 50 पेपर्स दें, ठीक है, बट बेटर ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास लिटरेचर होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आपकी रिसर्च होगी। आप 100 पेपर्स जमा करो और आप एक एक्सेल शीट बना लो, आप उस एक्सेल शीट के अंदर, बल्कि आप एक्सेल शीट ना बनाओ, आप वो जो पेपर्स हैं आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और बनी बनाई एक्सेल शीट आ जाएगी आपके पास। ये किस तरह होता है ये मैं आपको एक ट्यूटोरियल में बता दूँगा। तो आप लिटरेचर जमा करो, उसको रीड करो, उन पेपर्स को जब आप रीड करो तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स, ठीक है, साथ, ये नहीं कि एक साथ बैठ के बनाऊंगा, जैसे जैसे आप पेपर रीड कर रहे हो हाईलाइट पोर्शंस, और उस पेपर को पढ़ते के साथ साथ आप नोट टेकिंग करो, स्टार्ट राइटिंग अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड, स्टार्ट राइटिंग अ सेंटेंस इन योर ओन वर्ड कि जी इस पेपर में ये चीज़ बताइए। हर पेपर पढ़ने के बाद आप उसकी अपने ओन वर्ड में 5 से 6 लाइन में एक समरी जनरेट कर लो अपने पास ही, ताकि आपको पता हो कि जी इस पेपर में ये बात कही गई थी। बाई द टाइम यू आर डन विद योर 100 पेपर्स, तो आपके पास एक अच्छा खासा समराइज, डिफरेंट समरीज होंगी, 100 समरीज होंगी जिसको आप कंडेंस कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में। उस डॉक्यूमेंट को आप रिफाइन करो, हेडिंग्स प्लेस करो, उसके बाद रेफरेंसिंग करो, और रेफरेंसिंग के लिए आप एंड नोट यूज़ करो, जितना जल्दी एंड नोट सीख सकते हो उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिशियल, एंड देन पब्लिश दैट पेपर। कोशिश करो कि आप हाई इम्पैक्ट जर्नल में, अगर आपका रिव्यू पेपर इतना अच्छा है कि आपको हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में जगह मिल सकती है, तो गो पब्लिश दैट। लोकल जर्नल्स और ऑनलाइन जर्नल्स को अवॉइड करो फॉर यू इनिशियल पेपर्स। अगर कोई कई जगह से रिस्पॉन्स नहीं आता तो आइदर आपकी राइटिंग सही नहीं है या आपके पास वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज अभी डेवलप नहीं हुआ, बट कोशिश करो कि जितना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर हो जर्नल का उसमें पब्लिश करा जाए। और वंस यू आर डन विद राइटिंग रिव्यू पेपर, आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 से 3 रिव्यू पेपर्स आप पब्लिश करो initially before you start working on an actual research. Try to contact professors and teachers who are working on a research, and agar wo aapke interest ki hai to start working with them. Fazool mein research mein involved hone se behtar just for your publication I think time ka waste hai isliye, क्योंकि लेट सपोज कि अगर मुझे कैंसर में काम करना है और मैं डायबिटीज़ की रिसर्च में काम कर लूँ, तो वो पब्लिकेशन मेरे लिए नाम तो आ जाएगा कि जी पब्लिकेशन है, बट वुड दैट बी हेल्पफुल, मतलब कल को अगर मैं इंटरव्यू में जाऊँगा तो मुझसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी कैंसर में आप काम करने आए हो तो ये जो 7500 रिसर्च पब्लिकेशन आपकी डायबिटीज़ में, व्हाट्स द जस्टिफिकेशन बिहाइंड दैट, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। दूसरी चीज़ ये कि द सूनर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एन एक्चुअल रिसर्च विद अ प्रोफेसर जो कि आपको साथ साथ सिखाए, उतना ज़्यादा तुम लोग के लिए बेहतर है। एकेडेमिया डिमांड्स कि जितना जल्दी आप रिसर्च में इन्वॉल्व होते हो इन बोथ दी एस्पेक्ट्स, क्लिनिकल एस्पेक्ट और राइटिंग एस्पेक्ट, उतना जल्दी आपके करियर के लिए अच्छा है। बाकी बात रही इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेपर पे काम चल रहा है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री जो रिसर्च इंडस्ट्री में हो रही है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जो रिसर्च पेपर पे हो रही है। इंडस्ट्री बेसिकली आपसे यील्ड मांगती है कि जी ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट जिस तरीके से हमें मैक्सिमम मिलेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो फिर उन प्रोसेसेस की तरफ फोकस करने हैं जो कि आपकी यील्ड जनरेट कर सके, और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।